नमस्कार, आप देख रहे हैं MB News 27। खबरें सबसे पहले आप। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं MB News 27। सदर अस्पताल बाहरी परिसर मार्केट कमेटी का विधिवत गठन। वेंडिंग एक्ट 2014 के तहत टाउन लेवल फेडरेशन की शाखा के रूप में बिहार प्रदेश असंगठित कामगार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश गुरनानी के नेतृत्व में कटिहार नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत 41वीं सदर अस्पताल बाहरी परिसर मार्केट कमेटी का विधिवत गठन आम सभा के माध्यम से किया गया। इस आम सभा की अध्यक्षता बोला सहनी संचालन रंजन यादव ने किया। इस आम बैठक में 82 फुटपाथ दुकानदारों ने भागीदारी कर 15 सदस्य कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से किया, जिसमें अध्यक्ष राम कुमार सहनी तथा उपाध्यक्ष में सुशील पासवान और सुरेंद्र प्रसाद सिंह को बनाया गया। सचिव संजय महतो और राजकिशोर पासवान बनाए गए तथा कोषाध्यक्ष मुन्नी देवी, व्यवस्थापक विनोद चौधरी, कार्यालय सचिव अजय कुमार चौहान तथा संयोजक महबूब आलम चुने गए। सभी नव मनोनीत सदस्यों को संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुरनानी ने कहा, एक तरफ नगर निगम सर्वे करके फुटपाथ दुकानदारों की आजीविका को बचाने की बात कहता है और दूसरी तरफ अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ने का काम भी शुरू किया है, जिसका कानूनी रूप से प्रतिकार किया जाएगा। नगर निगम में कल पास हुए बजट में फुटपाथ वेंडरों के कल्याण हेतु बहुत ही कम राशि पास की, जिसका TLF विरोध दर्ज कराता है। कुल 80 वेंडिंग जोनों में 8000 से अधिक वेंडर अपनी आजीविका चलाते हैं, इसलिए वेंडिंग जोन देने तक अतिक्रमण हटाने के नाम पर वेंडरों की आजीविका को नष्ट नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की राशि, परिचय पत्र, वेंडिंग प्रमाण पत्र, खाद्य सुरक्षा की ट्रेनिंग और फूड फेस्टिवल जैसे कार्यक्रमों को अविलंब अमल में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए और इसमें TLF, TVC और असंगठित कामगार कांग्रेस पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार है। इस सभा में कई लोग मौजूद थे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए MB News 27।